आज का वीडियो अगर आपने एंड तक देख लिया तो इंडिया में लड़कियां बहुत फैन होती है ना बीटीएस की, और एक बार मेरी पूरी वीडियो देख लो और आई कैन गारंटी यू अगर आपको के फीवर हुआ है तो वो ऑन द स्पॉट उतर जाएगा। जानते हो कोरियंस हमें क्यों हेट करते हैं? वेल, सिर्फ दो ऐसे बहुत ही सुपरफिशियल रीजंस की वजह से जिसे सुनकर आपको लगेगा कि कोरियंस की सोच इतने एजुकेटेड कंट्री की सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है। Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate like that, right? Only for Koreans, no Indians. ये मंजर कहीं और का नहीं बल्कि हमारे ही देश का है जहाँ हम इंडियंस को ही रेस्टोरेंट्स में आना मना है। एक्चुअली आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में किया मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के आसपास करीब 15 से 20 कोरियन रेस्टोरेंट्स खुले हुए। इन रेस्टोरेंट्स में जब द वायर ने स्टिंग ऑपरेशन किया तब ये रिवील हुआ कि इन कोरियन रेस्टोरेंट्स में इंडियंस के लिए डाइन इन तो छोड़ दो, वह इंडियंस की एंट्री तक बैन है। इनफैक्ट इन कोरियंस में इंडियंस के प्रति हेट इस लेवल तक है कि वहाँ रेस्टोरेंट का स्टाफ भी उन लोगों ने इंडियन नहीं रखा है बल्कि नेपाली सिटीजन रखा है। कहाँ काम करते हैं? इधर ही काम करते हैं। आप इधर ही काम करते हैं? जी। अच्छा, तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है। नेपाल से हैं? कैन यू बिलीव दैट, ये सब हमारे जमीन पर हो रहा है। सो बस सोचो अगर हमारे ही जमीन पर ये हो सकता है तो साउथ कोरिया में किस लेवल तक का रेसिज्म होता होगा। सो हाल ही में राज, जो कि एक कोरिया बेस्ड इंडियन यूट्यूबर है, उसने अपने सटल क्रेजी कोरिया इस चैनल पे इंडियंस के खिलाफ हो रहे एक काफी इम्पोर्टेंट इशू को अपने व्लॉग से हाईलाइट किया। राज दरअसल पिछले 9 साल से कोरिया में रह रहा है, पर पिछले साल ही वो अपने न्यू दिल्ली से आए दोस्तों को कोरिया घुमा रहा था। तब उसके दोस्तों ने उसको कहा कि क्लबिंग के लिए चलते, बट राज कभी कोरिया में क्लबिंग के लिए नहीं गया था। उसके लिए भी कोरियन क्लबिंग ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था, तो बीइंग अ व्लॉगर राज उस एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करने लग गया। अब जैसे ही वो पहले क्लब में पहुंचता है देखना उसके साथ क्या होता है। उनको गार्ड बस इसीलिए अंदर जाने से रोकता है क्योंकि वो इंडियन है। उनसे वो गार्ड कहता है कि ये क्लब में तो अलाउड नहीं है, आगे वाले क्लब में ट्राई कर लो। पर उस क्लब में जाने पे तो उनका इससे भी बुरा इंसल्ट होता है। उस क्लब का गार्ड राज को ऐसे ऐसे करके उनको सीधे वहां से भगा देता है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता अगर सारे इंडियंस को ये बात पता चल जाए ना, सारी जो मैं बता रहा हूँ आपको आगे भी, तो हो सकता है कि कोरिया के जो यहाँ पे चीज़ें आती हैं वो बैन होनी शुरू हो जाएं, बॉयकॉट होनी शुरू हो जाएं। जैसे कि सैमसंग के फोन्स इंडिया में आते हैं और बहुत अच्छी मार्केट है उसकी, बहुत ह्यूज साइज मार्केट है। आप एक चीज देखोगे ब्लैक ब्राउन इस टाइप का रेसिज्म होता है ना, एट्रोसिटी व्हिच इज फाइन बिकॉज़ दे आर जस्ट क्यूरियस, बट समटाइम्स आई कैन सी स्टेयर विद सम काइंड ऑफ हेट्रेड, व्हाई आर यू कमिंग टू माय कंट्री, सम ऑफ माय फ्रेंड्स हैव बीन स्क्रीम्ड एट, गो बैक टू योर कंट्री। व्हेन आई वाज इन डेगु आई वाज गोइंग टू माय यूनिवर्सिटी इन द मॉर्निंग, सो इट वाज लाइक अ ब्राइट सनी मॉर्निंग एंड इट वाज इन अ बस स्टॉप, लाइक सम रैंडम कोरियन मिडिल एज्ड पर्सन ही जस्ट approached me and he was like, who, where are you from? Like just another Korean person, I thought. So he said, where are you from and everything. I said, I'm from India. And he was like really talking nice with me. And suddenly he started like, he tried to like hug me and stuff like that. And he said, you people come here like to study and like work and later you just want to get married to a Korean and settle in Korea. So is it okay if I just, you know, touch you or something like that? That was one experience that I can never forget till date. ऐसी कई सारी वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूँ, कोरा आंसर्स दिखा सकता हूँ, रेडिट आंसर्स दिखा सकता हूँ, या फिर किसी का फीडबैक रिव्यूज, बहुत सारा कुछ मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन ये तो आप खुद सर्च कर लेना, खुद ढूंढ लेना। आप सर्च करोगे नॉर्मली आपको दिख जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है, ये रेसिज्म ऐसे कैसे एकदम से ऊपर चढ़ गया? साउथ कोरियंस का ये हाल है कि वो इतने ज़्यादा घुल चुके हैं ब्यूटी में, ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट करने में, इनर ब्यूटी व्यूटी नहीं, बाहर की ब्यूटी, ये जो सिर्फ ये है, और लड़कियों के लिए वो बॉडी मतलब पूरा थिन लुक, बिल्कुल पतला सा पतला। साउथ कोरिया का हाल कुछ यूं है कि 4 में से 1 औरत ने 19 से 29 साल की लेडी ने सर्जरी कराई हुई है, और 3 में से 1 लेडी ने जो 30 से 39 के बीच में है उसने भी सर्जरी कराई हुई है, और 9 out of 10 वुमेन कहती है कि हम सर्जरी करा लेंगे अगर हमें मौका मिले। नाउ देखो ये जो रेसिज्म पूरा स्टेम हो रहा है ना, इसके पीछे के रीजंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बात ऐसी है कि साउथ कोरिया जो दुनिया की 5th most literate कंट्री है, उन्होंने अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का डेफिनेशन इतना रिजिड और स्टीरियोटिपिकल कर लिया है कि यूरोपियंस और इंडियंस तो छोड़ दो, खुद कोरियंस तक इस ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट नहीं हो पाते हैं। सी इज द आइडियल ब्रा कप साइज, बिग फर्म्स प्रेफर प्रिटी आईज एंड गवर्नमेंट बॉसेस लाइक हाई नोजेस। कोरिया में कोई भी जॉब मिलने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, एंड माइंड यू ये रिक्वायरमेंट हर कोरियन को जॉब मिलने के लिए फुलफिल करना ही पड़ता है। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस तो छोड़ ही दो, वहाँ खुद उनकी एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ही ट्विटर पर जॉब सीकर्स को कह रही है कि अगर आपको जॉब चाहिए
तो प्लास्टिक सर्जरी करवा लो पहले। अब इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, उनकी गवर्नमेंट खुद इसे ओपनली सपोर्ट कर रही है और इसीलिए इनका हेट सिर्फ इंडियंस तक ही सीमित नहीं है, रेसिज्म काफी हद तक वहां पर फॉरेनर्स के लिए इन जनरल होता है। एक एग्जांपल देती हूँ निकी किम का, जो कि एक एंग्लो कोरियन है और अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके इंग्लैंड से कोरिया सेटल होने आई थी। अब क्योंकि यहाँ पे सेटल होना था उसको, इसके लिए उसने किम ने जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया और कोरियन नॉर्म के मुताबिक अपने रेज्यूमे के साथ साथ उसने अपना एक नॉर्मल सा फोटोग्राफ भी शेयर कर दिया। अब देखना, जिस दिन किम कंपनी में इंटरव्यू के लिए पहुंचती है वो उस इंटरव्यू के बाद से शॉक हो जाती है, क्योंकि वहां पहुंचकर इंटरव्यू लेना तो दूर, किम को कंपनी ने अपफ्रंटली रिजेक्ट कर दिया। क्यों जानते हो? उसको रीजन दिया गया कि यू डोंट लुक लाइक दिस फोटो। क्रेजी है ना। उसमें तो ऐसा था कि भाई उसको ब्यूटी चेक कर रहे थे, लड़की की ब्यूटी चेक कर रहे थे कि यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और ऐसे करके पूरा सर्कल ओके, 10 में से 10 पॉइंट मिल गए आपको। इतने गंदे लेवल का ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बना रखा है उन्होंने। और जब ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, तो जब और कंट्रीज के लोग वहाँ जाते हैं, देखो अब इंडिया का कोई बंदा है, ठीक है, इंडिया में यार इतना नहीं मैटर करता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी लोगों को जोश होता है कि बाल ऊपर खड़े कर लिए और ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, लेकिन एक टाइम के बाद वो समझ जाता है कि ब्यूटी कुछ नहीं होता है, एक टाइम के बाद वो समझ जाता है। और लड़कों में तो खासकर वो फेस वॉश के अलावा, फेस वॉश भी मैंने ज़्यादा बोल दिया है, साबुन यूज़ करने के अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करता घर पे, वो समझ जाता है कि उसका पैसा, उसकी सक्सेसफुल, उसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा मैटर करती है। और ये सच भी है, आप मानो या मत मानो, ये सच भी है इंडिया में, और इसका मैं बड़ा ही ब्लेस्ड फील करता हूँ। अब देखो, अब तक आपको यही लगता होगा कि इंडियंस वहाँ पे पढ़ने लिखने और आईटी जॉब्स के लिए ही मोस्टली जाते हैं, पर ये सिर्फ वन साइड ऑफ द स्टोरी है। असल में बहुत सारे इंडियंस ऐसे भी हैं जो वहाँ पे कई छोटे मोटे जॉब्स करते हैं, जैसे कि हमारे इंडियंस कोरियन शिप्स पे सी फेयरर्स भी होते हैं। इनफैक्ट अभी चल रहे इस लेबर शॉर्टेज के लिए कोरियन गवर्नमेंट ने खुद इंडिया से एक पैक्ट भी साइन करवाया है, ताकि उनके एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, वेस्ट डिस्पोजल, मीट ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में वर्कर्स की शॉर्टेज ना हो। अब देखो, यहाँ रेसिज्म अगेंस्ट इंडिया एकदम ज्यादा इसीलिए है क्योंकि कोरियंस का मेंटालिटी ये है कि इंडियंस हमारे यहाँ पे छोटे मोटे जॉब्स करते हैं। इसके अलावा दूसरा रीजन तो इनके यहाँ पे रेसिज्म बहुत कॉमन है ही, लेकिन स्किन कलर, व्हाइट स्किन कलर से जो उनका फेटिश है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन हम इंडियंस का कलर व्हीटिश होता है, इसीलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है कि इतना ज्यादा रेसिज्म इंडियंस के खिलाफ वहाँ पे होता है। और ऐसा मैं नहीं, खुद कोरियंस ने ही कहा है। इस टाइम पे एक सही डिसीजन लेना होता है। कोलैटरल डैमेज नाम जो एक वर्ड है ना, उसका ओरिजिनेशन था वो इसीलिए ही है उसके, आपको यहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे सही डिसीजन लेना होता है। और सही डिसीजन होता है कि आप वो डिसीजन लो, फिर वो चाहे कोलैटरल डैमेज हो रहा, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो उससे चीजें इंप्रूव नहीं होने वाली, चीजें सेम ही रहती हैं। अगर पाकिस्तान की आम जनता के बारे में सोच के इंडिया डिसीजन लेगा ना, तो इंडिया की जनता सफर करती रहेगी, जैसे पास्ट में किया था। अगर बॉलीवुड के स्टाफ मेंबर्स के बारे में सोच के अगर सारे फैसले लिए जाए, बॉयकॉट ना करा जाए ना, तो ये कभी भी एंटी हिंदू अपना जो पूरा कैंपेन है वो खत्म नहीं करते। एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे आएगी। पहले मेरे को लगा कि ये किसी इंडियन ने पोस्ट करी होगी जो कोरिया में रहा होगा, उसने फेस किया होगा, लेकिन ऐसा था नहीं। ये जो है ये कोई कोरियन ही बंदा है जिसका एडमिन है, और उस बंदे का इसमें आगे कमेंट है कि पीपल माइट थिंक आई एम डूइंग इट फॉर व्यूज बट टेलिंग द रियलिटी ऑफ आवर ओन कंट्री पीपल हु हैव बिकम सो ऑब्सेस्ड विद कोरिया दैट दे एक्सपेक्टेड कोरिया एज अ ड्रीम लैंड समथिंग लाइक कोरियन ड्रामास एज एन इंस्टाग्राम पेज एडमिन आई शुड शो बोथ द गुड एंड बैड साइड इफ यू स्टिल थिंक आई एम रॉन्ग और स्प्रेडिंग हेट देन थिंक व्हाटएवर यू वांट टू थिंक आई डोंट केयर दोज हु नीड टू अंडरस्टैंड प्रोबेबली हैव। अब एक बंदा जो कोरिया का है, उसकी खुद की कंट्री का, वो ये रील डाल रहा है, और वहां पे भी जो हमारे इंडियंस हैं जो ज्यादा ही समझदार हैं, कुछ बीटीएस के इतने फैन हो चुके हैं कि उनके हार्मोन सब कंट्रोल में नहीं है, वहां वो भी पहुंच गए। एक कोई महाज्ञानी लिखता है दिस इज रॉन्ग, दे आर सो काइंड, देयर आर सो मेनी इंडियन पीपल लिविंग इन कोरिया, इन देयर वीडियोस दे आर काइंड। पहली चीज तो जो व्लॉगिंग कर रहा है ना कोरिया में जाके इंडिया का आदमी, तो वो क्रिटिसाइज कोरिया को वैसे भी इतनी आसानी से नहीं करने वाला, क्योंकि उसे वहीं पे व्लॉगिंग कर रहा है वो, ठीक है उसे वहां पे रहना है। तो अगली वाली तो अपनी ही कंट्री की बेइज्जती करने लग गई कोरियन ड्रीम लैंड के डिफेंस में। तो इट्स नॉट अबाउट इन अदर कंट्रीज stuffs being an Indian and migrating to different states for career we still find people discriminating each other our own country does this so IDT bata dena bhai koi janji gaya ki IDT kya hota hai mere ko to samajh nahi aaya it is surprising fact that other countries behave that way it's fine you will always find good and bad everywhere ye jo pseudo liberals ki line hai na you will find good and bad everywhere are bhai proportions ki baat karo proportions ki baat nahi karoge to realistic world mein to aap jee hi nahi rahe kuch sensible ladkiyan bhi wahan pe thi ek lady likhti hai it's not just south korea it's USA too I thought it was like Hollywood movies, but Hollywood lied. Indians are mostly treated well only in India on average. और मैं आपको थोड़ा सा research material दिखाता हूँ. Video है आप, video देखो. आप normal से बिल्कुल video है. If you had a million ringgit, what would you buy? My house. Why? Because you can stay in the house. Buy my dad a new phone. Because I have a lot of games in my dad's phone. So if I buy him a new phone, he can just give me that phone. Smart. Anything else you would buy? Give it to the poor.
अब इसमें जो लास्ट वाला बंदा है आपको लगे क्या होगा कि वो थोड़ा इंडियन टाइप है। तो एक बंदे ने यहाँ पे कमेंट किया था कि दैट लास्ट किड हैज बीन रेस्ड प्राइडियसली। अब आगे क्या कमेंट आता है मैकोम मालकोम का, आई डाउट ही वॉन्ट शिट ऑन स्ट्रीट्स इन इंडिया। अब ये जो बंदा है इसकी प्रोफाइल खोल के देखी तो ये बंदा थोड़ा कोरियर टाइप का ही बंदा था। अब इस पूरी वीडियो में आप मेरे को ये बताओ इसमें ऐसा क्या था कि आप इंडिया के बंदे को ढूंढ गए और उसको ये सब लिखो उल्टा सीधा। अब इस पे कोई एक बंदा रिप्लाई भी करता है कि माई मैन इज वेस्टर्न एंड मीडिया स्लेव डॉग फॉर योर काइंड इन्फो इन द थिंग विच यू डू योर वॉज इन्वेंटेड बाई इंडिया 5000 years ago when whole world was wherever they get place even in the same pot they were eating food so know your place। aur ye banda apna jo pura khulke racism kar raha hai na wo banda rukta nahi hai, wo comment chalu rakhta hai। still indian goes retrograde evolving backwards see who is on streets in 2023 oh it's you guys। aage fir aur reply aata hai, fir aage ye banda aur reply karta hai aur uske reply mein itna hate hai main padh deta hu। was the most advanced now people shit on streets raping women in rural areas so much for the once most advanced civilization। आप सोच के देखोगे ये नॉर्मल सा बंदा भाई इसको इतना क्या हेट है इंडिया की तरफ कि ये एक नॉर्मल सी पोस्ट में एक बंदे को उसके कलर को ढूंढ के और ये इंडिया के बारे में इतना कुछ बोल रहा है और फिर कमेंट में इसकी बहस जारी रहती है क्योंकि ये चीज एग्जिस्ट करती है। देखो जो वर्ल्ड का हमारी तरफ पूरा सिनेरियो है ना वो क्रिएट होता है कि हमारी गवर्नमेंट कैसा काम करती है और हमारे लोग कैसा डिपिक्ट करा गया है ना सोसाइटी में। उसके डिपिक्शन को चेंज करने के लिए ना गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट ने सब हमारा इमेज किसकी खराब होती है हमारी, जब हमारी कमियां स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी मूवीज हाईलाइट करती हैं तो हमें बुरा लगता है और लगना भी चाहिए क्योंकि हमारा देश सिर्फ स्लमडॉग मिलियनेयर में दिखाया हुआ देश नहीं है लेकिन आज एक इंटरनेशनल छवि बन चुकी। इसे बदलने का काम आपको और मुझे ही करना है। हमें आईने में देखना है, समझना है कि क्या इन हर्टफुल बातों में कोई सच्चाई है, क्या हमारे बर्ताव में बदलाव की जरूरत है। बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी। हम बाबा साहेब अम्बेडकर की जर्नी से काफी इंस्पायर होते हैं क्योंकि उन्होंने एक बड़ा ही ताकतवर हथियार चुना, अ पेन। उन्होंने इज्जत मांगी नहीं, इज्जत कमाने के लिए खुद को डिजर्विंग बनाया। वो खुद प्रॉब्लम से लड़कर रिस्पेक्ट पाने के काबिल बने, इसीलिए उनकी इज्जत भारत में तो है ही लेकिन बाहर भी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2004 में दुनिया के 100 टॉप स्कॉलर्स की एक लिस्ट बनाई जिसमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम टॉप पर आया। वो 64 सब्जेक्ट्स के मास्टर थे, 9 भाषाएं बोल सकते थे। इन बातों ने सिर्फ उनकी नहीं भारत की शान बढ़ाई। आज क्यों हम ये इंस्पिरेशन उनसे नहीं ले सकते, क्यों हम खुद को डिजर्विंग नहीं बना सकते। चलिए हमारे कर्म से सिर्फ खुद का ही नहीं देश का नाम रोशन करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन करने से खुद को रोकते हैं लेकिन अगर खुद के साथ होता है तो उससे सही तरह से लड़ते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट सीखते हैं ताकि दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करे। अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझा तो इसे और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए क्योंकि मुद्दा कोरिया का नहीं, मुद्दा भारत की इमेज का है। क्योंकि आप भले ही भूल जाए कि आप इंडियन हैं, आपकी सिटीजनशिप त्याग दें, किसी फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाए, घर से सारे रिश्ते नाते तोड़ दें, लेकिन दुनिया आपको भूलने नहीं देगी कि आप कहां से आए हैं। दुनिया आपको आपके स्किन के कलर से ही जज करने वाली, इसीलिए ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि हम सही प्रेरणा लें, गुस्से को अचीवमेंट्स में बदलें और सिर्फ खुद की ही नहीं देश की शान बढ़ाएं ताकि एक दिन सिर्फ कोरियन रेस्टोरेंट्स के ही नहीं हर रेस्टोरेंट के बाहर ऐसा बोर्ड लगे दैट वी वेलकम इंडियंस। और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुँचाने से मुझे पारा पड़ता है।